करेंगे। सबसे पहले रांची के प्रदेश कार्यालय के बाहर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि हरियाणा में महिलाओं ने कमर में रस्सी लगाकर ट्रैक्टर खींचा, जिसके विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा ने विरोध जताया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें फूल देकर स्वागत उनका किया। जानकारी आपको देना चाहेंगे, जिसके स्वागत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि महिलाओं की कमर में रस्सी बांधकर ट्रैक्टर खिंचवाना बंधुआ मजदूर की तरफ इशारा करता है, जिसका विरोध बीजेपी महिला मोर्चा कर रही है। चलिए, तो ये दो पार्टियों की तरफ से, एक जो सत्ता में है यानी कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी जो विपक्ष में है यानी बीजेपी। बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्यों ने, जानकारी आपको देना चाहेंगे, ये विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। जानकारी आपको देना चाहेंगे, ये विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ। हरियाणा में दरअसल महिलाओं ने कमर में रस्सी लगाकर ट्रैक्टर खींचा था, जिसके विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा ने अपना विरोध जताया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें फूल देकर स्वागत किया। आप देखिए तस्वीरों में कैसे कांग्रेस के जो नेता है वो बीजेपी महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता है, बीजेपी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है, उन्हें फूल देकर उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं। हालांकि जिसके इनके स्वागत को बीजेपी महिला मोर्चा ने स्वीकार नहीं किया। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर ने इस दौरान कहा कि महिलाओं की कमर में रस्सी बांध, लोकतंत्र में उनको अधिकार है अपना विरोध करने का, उन्होंने अपना विरोध जताया हमारे ऑफिस के सामने, हमने उनका स्वागत किया, फूल दिया। वैसे झारखंड के अंदर में कार्यालयों में जाकर के विरोध प्रदर्शन करने की प्रथा नहीं रही, अब उन्होंने ऐसी शुरुआत की है तो हमारे लिए भी रास्ता खोल दिया। हमारे भी महिला मोर्चा हैं, NSCY है, यूथ कांग्रेस है, अल्पसंख्यक कांग्रेस है या दूसरे संगठन के लोग जो हैं वो भी जा करके वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन करना अच्छी बात है, वो प्रदर्शन करें, हमारे किसी आइडियोलॉजी से अगर उनको मतभेद है तो भारत के लोकतंत्र में पूरा उनको ये